Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for Immunity. Biggest ever national level video contest on behalf of Charaka Jayanti 2021. Presented by Team Aptas. Co-sponsored by Himalaya Wellness Company. Shri Dhuta Papeshwar Limited. YSS College of Pharmacy, Nursing and Paramedicals. Namaste. इस महामारी ने हम सभी को व्याधि प्रतिरोध शक्ति का महत्व सिखा दिया है। आज हम सभी इसको बढ़ाने के उपाय ढूंढ रहे हैं, पर इनका सहज रूप से वर्णन हमारे चरक संहिता में आचार्य ने किया है। इस तत्व का प्रथम उल्लेख चरक विमान तीसरे अध्याय में प्राप्त होता है, जहां इस शक्ति की तुलना व्यक्तिगत बल से की गई है। यह बल तीन प्रकार के हैं, सहज, कालज और युक्तिगत, जिसका वर्णन चरक सूत्र 11वें अध्याय में प्राप्त होता है। सहज बल जो जन्म से प्राप्त हो और कालज जो काल के वश में हो, इन दोनों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। युक्तिगत बल का आधार आहार और विहार है। इस बल का अनुमान हम सार परीक्षा से कर सकते हैं, जिसका वर्णन चरक विमान 8वें अध्याय में किया गया है। बल का अनुमान कर हम उसे बढ़ाने के उपाय लोगों को बता सकते हैं। ये भावों का वर्णन बलवृद्धि कर भाव नाम से चरक शारीरिक 6 अध्याय में पाया जाता है। इन भावों में आहार, व्यायाम, मनोल्लास जैसे कई भाव वर्णित किए गए हैं। इनका विस्तार में वर्णन सुश्रुत के स्वस्थ चतुष्क में पाया जाता है, जहाँ दिनचर्या, ऋतुचर्या और सद्वृत्तों का वर्णन है। इन सब का समावेश कर आचार्य ने आचार रसायन का वर्णन किया है, जो चरक चिकित्सा पहले अध्याय में है, जिसका नित्य सेवन लाभदायक है। आधुनिक गवेषणों ने जिन द्रव्यों को व्याधि प्रतिरोध शक्ति की उल्लेखना की है, वे हैं आंवला, मुलेठी, अश्वगंध जैसे द्रव्य। इन्हीं द्रव्यों का उपयोग आचार्य ने रसायन योगों में किया है, जिनका वर्णन न केवल स्वस्थ परंतु व्याधि निवारण के पश्चात भी बताया गया है, जो हर व्याधि चिकित्सा स्थान में रसायन योगों से ही समाप्त होती है, इससे सिद्ध होता है। तो आइए हम सब अपना आहार, विहार, चेष्टाएं और रसायन योग का उपयोग कर प्रतिरोध शक्ति बढ़ाएं और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.